मलहीपुर रोड स्थित जेवीजैन डिग्री कॉलेज में जेवीजैन डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ ने शिक्षकों के हो रहे उत्पीड़न के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, मलहीपुर रोड स्थित जेवीजैन डिग्री कॉलेज में जेवीजैन डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ ने शिक्षकों के हो रहे उत्पीड़न के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए समाज में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है कहते हुए कहा कि यदि सरकार शिक्षकों की ओर ही ध्यान नहीं देगी तो समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा। शिक्षकों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर रोष जताते हुए शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम सीमा चौधरी है, इतिहास विभाग जेवीजैन कॉलेज सहारनपुर से। मैं और जेवीजैन कॉलेज शिक्षक संघ की कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव के पद पर हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी देश की, केवल हमारे देश की बात नहीं, किसी भी देश की जो आधारशिला तैयार करता है वो शिक्षक करता है। और अगर हमारे देश में देखें तो इस समय शिक्षक के बारे में जो नीतियां हैं वो सबसे ज़्यादा शोचनीय है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि निंदा उनकी करनी चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी के भविष्य को बनाता है तो उसी को ही मुझे लगता है बिल्कुल हाशिए पर, पायदान पर रखा गया जब नीतियां बनाई गई हैं। और हमेशा शिक्षक के बारे में एक नकारात्मक सोच, सरकार की नकारात्मक सोच है शुरुआत से, और सरकार की है तो फिर आम लोगों की भी नकारात्मक सोच है। लेकिन मुझे लगता है जितना प्रेशर, जितना दबाव आज शिक्षक के ऊपर है, जितना तनाव, चाहे वो इलेक्शन में ड्यूटी का हो, चाहे फिर इधर क्लासेस लेने का हो, दुनिया भर का काम उनको दे रखा है एक्स्ट्रा, तो उसमें ये जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति एक जगह, एक बार में दो जगह नहीं हो सकता। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ें क्लासेस सफर होती है, स्टूडेंट्स सफर होती हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम आए हैं। तो जितना ज्यादा जो पेपर वर्क दे रखा है, जो जितना लोड दिया हुआ है, और जितनी इधर उधर की ड्यूटीज लगी हुई है शिक्षकों पर, तो वहां पर कौन सफर हो रहा है? विद्यार्थी सफर होते हैं। और विद्यार्थी मुझे लगता है कि प्राथमिकता पर रहना चाहिए। आज मौका मिला तो मैं ये बात भी कहूंगी, आज हम बायोमेट्रिक के लिए आए थे और मुझे लगता है बायोमेट्रिक लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक अपने आप में एक जिम्मेदार, इस देश का सबसे जिम्मेदार नागरिक अगर कोई है तो वो शिक्षक है। और मुझे लगता है कि फिर बायोमेट्रिक भी यही दिखाती है, अब शिक्षकों को लेकर नकारात्मक सोच उनकी सरकार की दिखाई देती है। क्योंकि टीचर सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे यहाँ पर है, टीचर सुबह से शाम तक रहता है। हमारी ग्रुप है, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई तब से ग्रुप बने हुए हैं, और जब भी मुझे लगता है 6-7 बजे शाम के 8 बजे भी अगर बच्चों की कोई क्वेरी होती है तो मतलब ही नहीं है कि टीचर सॉल्व नहीं करता। मैं करती हूँ, मेरे साथी जो शिक्षक साथी हैं वो भी करते हैं, तो वो तो दिन रात रहता है। उसके बाद अगर वो क्लास में लेक्चर लेता है तो वहाँ पर पढ़ता भी है, वो घर में भी पढ़ता है, यहाँ पर भी कॉलेज टाइम में भी पढ़ता है। तो बायोमेट्रिक सिर्फ ये लगती है कि उसको संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। शिक्षक को हमेशा यही लगता है, आज के दौर में जो आज का जो परिदृश्य है उसमें यही लगता है कि शिक्षक संदेह के घेरे में है। और ये मुझे लगता है ये चीज निंदनीय है। शिक्षक कैसे संदेह में घेरे में हो सकता है, जो भविष्य का निर्माण करने वाला है, जो इस देश का भविष्य तैयार करता है। तो मुझे लगता है सब ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा प्रदर्शन और दिखावा आज के दौर में है, पहले भी रहा है लेकिन आज वो बढ़ गया है, क्योंकि वही है कि सोशल मीडिया का जमाना है तो दिखावा भी है। शायद कोई और गवर्नमेंट होती तो तब भी ये होता, क्योंकि दिखावे का जमाना है। तो मुझे लगता है दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिखावा है। कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, कोई नेशनल फेस्टिवल है, कोई और फेस्टिवल है, तो दिखावा है, 4 लोग फोटो लगाकर और वो करके तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में, इन सारी शोशेबाजी में, इन सारे प्रदर्शन में अगर कोई सफर करता है तो विद्यार्थी। शिव विहार कॉलोनी निकट विशाल विहार कॉलोनी में नवनिर्मित सड़क का नगर विधायक राजीव गुम्बर ने किया उद्घाटन, दी जानकारी। आपको बता दे, शिव विहार कॉलोनी निकट विशाल विहार कॉलोनी में नगर विधायक राजीव गुम्बर ने नवनिर्मित सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व नगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा, पार्षद सुनील पवार, पूर्व पार्षद भगत सिंह एवं शीतल बिश्नोई और अन्य लोग मौजूद रहे तथा संबंधित जानकारी दी। पुनीत त्यागी, महानगर उपाध्यक्ष, आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयासों से आज ये कार्य पूरा हुआ है। और इस प्रकार से जितने भी और जगह के अपेक्षाएं हैं वो सारी क्षेत्रवासियों की अपेक्षा इस प्रकार से विधायक जी अपने द्वारा कराते रहेंगे। और भी गलियां और सड़कें के बारे में एस्टिमेट बने हुए हैं और लगाया भी हुआ है, जल्दी वो कार्य पूरे होने वाले हैं और इस वो वचनबद्ध है और वचनबद्धता उनकी पूरी होगी निश्चित तौर। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक बैठक हुई आयोजित, अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की, साथ ही साथ प्रशासन को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांग तीखी गन्ना बकाया भुगतान एवं अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए किसानों के नुकसान को लेकर मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। आपका नाम और किस लिए ज्ञापन दिया? मेरे स्वामी जिलाध्यक्ष भारतीय किसान राजनीतिक,
ज्ञापन इसलिए दिया, किसानों की समस्याएं मुख्य तो है गन्ना पेमेंट। गन्ना पेमेंट पिछले वर्ष का अभी तक आधा भी नहीं हो पाया, सबसे बड़ी समस्या तो यह। दूसरे बाढ़ आई जहां पानी भर गया फसलों में, कुछ जमीन ने कट गई किसानों की, उसके लिए सरकार का कहना है 33% अगर नुकसान हुआ किसान का तो उसका मुआवजा मिलेगा। तो हमारा कहना यह है, चाहे किसी ने 5 बीघे बहाया किसान का फसल या 2 बीघे में नुकसान है, तो नुकसान तो किसका नुकसान ही है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे 2 बीघे का हो जाए चाहे 10 बीघे का हो जाए, उसे परसेंटेज से कोई नहीं होना चाहिए उसका मतलब। तो अगर आज ज्ञापन दिया डीएम साहब को, 5-6 मांग है इसमें, अगर इन पर कोई विचार नहीं करेगा प्रशासन तो बड़ा आंदोलन जिले में कराया जाएगा। हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय लोक दल ने जिला गन्ना अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनकी मुख्य मांग है किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाए, किसान भुखमरी की कगार पर है। साथ ही साथ उन्होंने चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए संबंधित जानकारी भी दी। आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री को गन्ना जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। अगला पिराई सत्र शुरू होने का है, पिछले का अब तक भुगतान नहीं हुआ। सरकार का यह मैनिफेस्टो था, उन्होंने जनता से वादा किया था, गन्ना किसानों से, कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी सरकार आती है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान करेंगे। 5 साल पिछले गुजर गए, 6ठा साल ये चल रहा है, 7वां साल शुरू हो गया, आज तक भी भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश सरकार ने 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान नहीं किया। आज भी 6,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों पर बकाया है, जबकि नया पिराई सत्र शुरू होने को है। अगर केवल जनपद सहारनपुर की बात करें तो 250 करोड़ रुपए जनपद सहारनपुर को गन्ना किसानों को अभी बकाया है। जुलाई का अगस्त का महीना खत्म होने को है, अक्टूबर में नया गन्ना पिराई सत्र शुरू हो जाएगा। अब तक उसकी मूल्य की घोषणा नहीं हुई, पिछला बकाया नहीं है मिला है अब तक। हमारी गन्ना माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बड़ी प्राथमिकता से ये मांग है कि किसानों का गन्ना भुगतान जब से लेके अब तक मई ब्याज के तुरंत गन्ना भुगतान किया जाए, और जब तक गन्ना भुगतान नहीं होता, जब तक जितना भी किसानों पर सरकारी बकाया दे है उसको स्थगित रखा जाए। हमारा पैसा दे दो, अपना ले लो, सीधी सी बात है। हमारे पास नहीं है तो हमारे पास देने को जाओ, हमें नहीं मिल रहा तो हम दें कहां से। उन्होंने वादा किया था कि नलकूपों पर मीटर सिर्फ जो है वो चोरी रोकने के लिए या बिजली कंजप्शन कितना हो रहा है उसका हिसाब लगाने के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि किसानों को बिजली का बिल वही जो निर्धारित है उसी हिसाब से जाएगा। आज हर किसान पर मीटर के एतबार से बिल आ रहे हैं, और मीटर भी वो जो 2 यूनिट अगर फूकते हैं तो वो 4 दर्शाता है। ये अमित शाह के बेटे की कंपनी, उनको मीटर का ठेका दिया गया और इतनी तेजी से वो बिजली कंजम्पशन से 1.5 गुना ज्यादा दर्शाता है। हर किसान पर ये मार पड़ रही है। हमारा ये अनुरोध है कि ये तुरंत वहां से मीटर हटवाए जाए और एक जो है जो एक निश्चित है किसान पर गन्ना उसका बिजली का बिल, उस हिसाब से बिजली का बिल लिया जाए, ना तो मीटरों से, और गन्ना भुगतान तुरंत करा जाए। अब मेरा नाम आसिफ चौधरी, जिला बागपत, मेरे युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष हस्तिनापुर क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल। सरकार के संबंध में जो है प्रदर्शन कराया, आज तो ज्ञापन भी था डीसीओ को, जिला गन्ना अधिकारी को। मैं तो अपने युवाओं का जो संगठन खड़ा होना है, तैयार होना है, उसके लिए अपने युवा साथियों से चर्चा करने आया था। जनपद सहारनपुर आगमन पर मेरा बहुत अच्छा स्वागत हुआ और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जनपद सहारनपुर। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर पशु चोरों को दबनीवाला कब्रिस्तान के पास से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर क्षेत्र से चोरी एक भैंसे को बेचने के लिए ले जाते हुए 2 शातिर चोरों शाहीन पुत्र सलीम, हसीन पुत्र इस्लाम को मुठभेड़ में दबनीवाला कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक तमंचा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 12 बोर,
एक छुरा 310 रुपए नगद, एक चोरी का भैंसा बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों चोरों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक विजय सिंह, उप निरीक्षक अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे। मविकला काशीराम कालोनी निवासी व्यक्ति गरीब आवास योजना के अंतर्गत आवंटित मकान को निरस्त कराने पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। आपको बता दें, मविकला काशीराम कालोनी निवासी व्यक्ति मौलाना इफ्तिखार अहमद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने काशीराम आवास शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत आवंटित हुए मकान को निरस्त करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उनका अपना मकान हो गया है, इसीलिए उनको अब इस मकान की ज़रूरत नहीं है और वह इस मकान को वापस इसीलिए करने आए हैं ताकि दूसरे गरीब व्यक्ति को यह मकान मिल सके। जी पारो साहब, आज किसी से बना हुआ है? मैं ये हाफिज इफ्तिखार साहब हैं, मेरे वार्ड के रहने वाले हैं। 15 जनवरी सन 2010 में मैंने इनको ये मकान डीएम आलोक कुमार जी से आवंटन कराया था। अब इनका कहना है था जी कि मुझे अल्लाह ताला ने अपना मकान दे दिया, इन्होंने अपना मकान मोहल्ला झोटे वाले में ले लिया और ये उसमें रह रहे, तो इन्होंने कहा जी मैं तो वापस करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम डीएम साहब के पास आ जाए ताकि इस मकान का एफिडेविट और शपथ पत्र इन्होंने तैयार करा लिया और ये इसे वापस कर दे ताकि किसी अहले ज़रूरत के काम आए। ITC रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा। आपको बता दें, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने सर्किट हाउस सभागार में मंडल के अंतर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 50 लाख रुपए एवं इससे अधिक लागत के कराए जा रहे निर्माण कार्यों, सड़कों एवं सड़कों को छोड़कर की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। मंडलायुक्त द्वारा समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य वर्क प्लान तैयार कर मासिक लक्ष्य तय करते हुए तदानुरूप प्रगति सुनिश्चित कराई जाए। कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करे कि कार्य की साइट पर सप्ताह में 2 से 3 दिवस अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और अपनी देखरेख में गुणवत्तापरक ढंग से कार्य को गति प्रदान करें। जनपद में नगर निगम ने की बकाया टैक्स वसूली तेज, 2 भवन सील, निगम की कार्यवाही से मचा हड़कंप। आपको बता दें, नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली का अभियान तेज कर दिया है। शहर के प्रताप नगर मंडी समिति रोड व रायवाला में 2 बकायेदारों की संपत्ति सील की गई और करीब 1 दर्जन बकायेदारों से 1,21,000 रुपये वसूल किए गए। अपर नगरायुक्त एवं टैक्स प्रभारी मृत्युंजय ने बकायेदारों को चेतावनी दी है कि वे शीघ्र अपना बकाया जमा करा दे, अन्यथा उनके खिलाफ भवन सील की कार्यवाही की जाएगी। सहारनपुर 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत कर सकुशल बरामद कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SP सिटी सहित जनकपुरी पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना जनकपुरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बच्चे के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर जिला अस्पताल में पुष्प वर्षा करते हुए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपका नाम? मैं भूज रहने बेटा। बेटा लगता है। ये कल क्या मामला हुआ था पहले बताइए। अजी उठ गया था ये सुबह 5 बजे, मैं रीति लड़ी से उन पर ठहर लिया था। तो आज क्या हुआ है? आज जी बच्चा पुलिस प्रशासन ने ढूंढ कर आन दिया हमारा बच्चा। तो आप क्या कहना चाहोगे अजी पुलिस पर? अरे भाई सर, ये किस तरीके से पूरा खुलासा हुआ? मैं भूज आ गया जी। कल पुलिस को सूचना मिली कि जो सदर अस्पताल है, इसमें से एक महिला का 1 दिवसीय जो बच्चा है वो गुम हो गया, जो कि एक ही दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। और पुलिस टीम तत्काल मौके पर आई, वरिष्ठ अधिकारी सभी अधिकारीगण मौके पर आए और SP सिटी अभिमन्यु के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी और SWAT टीम लगे
और इस बच्चे को अथक प्रयासों से लगातार हमने ट्रैक किया और 24 घंटे के अंदर बच्चा जो है बरामद किया गया अम्बाला से। और इसमें जो दो महिलाएं हैं अभियुक्त, वो हमने गिरफ्तार की हैं। और इसमें बड़ा अच्छा ये पुलिस ने ऑपरेशन किया, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था, 1 ही साल का था, और बच्चे के गुम होने की, बेचे जाने की या बच्चे की मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक थी। तो इसलिए समय का जो तकाजा था, समय बहुत कम था पुलिस के पास कार्रवाई के लिए, लेकिन पुलिस टीम ने लगातार ट्रैक किया और इसको कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और बच्चा रिकवर किया है। बच्चा अभी माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है और पूरी टीम को ऑपरेशन जो SP सिटी अभिमन्यु है और थाना जनकपुरी की टीम और स्वाट टीम ने किया, इसके लिए इनको 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। और जो समस्त ग्रामवासी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि काफ़ी खुश हैं, और ये सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि सभी ने संयुक्त प्रयासों से बच्चे को बरामद किया। सर, ये महिलाएं कहाँ की रहने वाली थी? महिलाएं जो ये बच्चा चोर करने वाली महिलाएं थी, ये कहाँ की रहने वाली? ये रहने वाली हैं अम्बाला जिले की, हरियाणा में, जहाँ कर कि ये आकर यहाँ पर उन्होंने रेकी की और बाद में मौका देखकर ये बच्चे को उठा लिया। इस पर पुलिस ने यहाँ पर CCTV फुटेज, मोबाइल फ़ोन, रेलवे स्टेशन से डिटेल्स लिए, GRP पुलिस ने भी काफ़ी मदद की इसमें पुलिस की, और लगातार इसको ट्रैक करके पुलिस ने इसे बरामद किया है। अभी अभियुक्तों से और पूछताछ की जाएगी और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही इसमें की जाएगी। पहले भी इनका कोई अपराधी इतिहास रहा है महिलाओं का? अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी अभियुक्तों से पूछताछ होगी और जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर आगे और कार्यवाही की जाएगी।